क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सनातन सत्य, कुदरत का कानून, शाश्वत सुख और कुदरत की रचना, कुदरत और लॉ ऑफ द नेचर के माध्यम से आपके जो पुरुषार्थ कराना चाहते हैं दृष्टि के द्वारा। हमारा जो सिद्धांत है कि दृष्टि द्वारा पुरुषार्थ, आपकी दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि बदलने का अर्थ यह है आप पुरुषार्थ की दिशा में चले जाओगे, आपको सही पुरुषार्थ मिलेगा, आपको सही दिशा मिलेगी। तो आपकी जब सही दिशा होगी तो आपकी दशा सही होगी। हम आपकी नज़र बदलते हैं, आपका नजरिया ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य जो हम करते हैं वो भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से, प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय है चरेवेति चरेवेति। भाई और बहनों, चरेवेति चरेवेति का अर्थ क्या है? चरेवेति चरेवेति का अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। चलने वाले को नमन है, जो चलता है वो महान है, जो गतिशील है वो महान है, और जो स्थिर हो गया उसका कोई विकास नहीं। पानी है, अगर चलता रहता है तो वो शुद्ध रहता है। गंगा का पानी जो बहता रहता है शुद्ध रहता है, और एक जगह तालाब का पानी होता है, एक जगह रहता है वो गंदा हो जाता है। उसी तरह से कहा गया है कि साधु तो चलता भला, साधु जो है वो जो जो चलेगा उतना उतना निर्मल रहेगा। जैसे चलता पानी निर्मल रहता है, उसी तरह से साधु चलता चलता निर्मल रहता। क्यों? कि जैसे एक जगह पानी इकट्ठा होकर के गंदा हो जाता है, बाहर की गंदगी उसके ऊपर पड़ती है, या लोग उसको गंदा कर देते हैं, पशु उसको गंदा कर देते हैं, उसी तरह से साधु अगर एक जगह ग्रस्तों के साथ में रहा तो उसका राग द्वेष होगा, और राग द्वेष गंदगी लाता है। दुनिया में गंदगी कुछ भी नहीं है, भगवान ने कोई गंदगी नहीं बनाई है, रेत का एक कण भी गंदा नहीं है। परंतु मनुष्य की जो नियति, मनुष्य का जो नजरिया है राग द्वेष का, वह उसको अशुद्ध करता है। मनुष्य जब राग द्वेष का चश्मा पहन लेता है, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, तो ये जब द्वेत हो जाता है, तब ये द्वेत पैदा होने के कारण जो है अशुद्धि पैदा होती है। और इस द्वेत को मिटिए, द्वेत ही अज्ञान है। इसको ज्ञान के द्वारा अगर हम इसको द्वेत को वेल्डिंग को तोड़ करके, अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ करके समता की भावना लाते हैं। समता की भावना तीसरा नेत्र है। जब शिवजी का तीसरा नेत्र खुलता है तो वो तांडव नृत्य करते हैं, और जो लोग बदमाश लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, उनका नरसंहार करते हैं। शिवजी कल्याण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। संहार किसका करते हैं? दुर्जनों का करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो तीसरा नेत्र खुल जाता है तो ये राग द्वेष का संहार हो जाता है, और राग द्वेष समाप्त होकर के संभाव आ जाता है। संभाव वाला व्यक्ति कैसा होता है? संभाव वाला व्यक्ति जो है वो प्रज्ञा चक्षु होता है, यानी उसका तीसरा नेत्र खुलने से वह अनुकूल प्रतिकूल, ठंडा गर्म, सुख दुख, लाइक डिसलाइक और लाभ हानि, प्रतिष्ठा सत्कार दोनों को एक जैसा मानता है। उसके दो कोण है ही नहीं, एक कोण रहता है संभाव का। तो हम संभाव एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो हमारा कषाय है उस कषाय को ठीक करने की प्रतिरोधात्मक शक्ति। जैसे कि प्रकृति ने हमारे साथ में भीतर यूनिबिल्ट जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति बना के भेजी है, तुम 100 साल जियोगे, और हमारी उम्र प्रकृति ने 100 साल दे के भेजी है, और उसमें यूनिबिल्ट
प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है, हमारी आरबीसी सेल है, वो हमारी रेड ब्लड सेल्स है या वाइट डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल है कि हमारे ब्लड के अंदर जो जर्म्स आते हैं जो कि हमको बीमार गिराने वाले होते हैं और हमारा वो इन्फेक्शन करने वाले होते हैं, तो उसके पहले ही वो सोल्जर्स की तरह डब्ल्यूबीसी झपटती है और ऐसे जो है वो टॉक्सिन्स को बाहर से आने वाले जर्म्स को तुरंत ख़त्म कर देती है। वो सोल्जर्स है, वो लड़ाकू विमान है। तो उसी तरह से हमारा जो संभाव है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो राग द्वेष को संपूर्ण ख़त्म कर देती, वही हमें जगाना है, वही हमारा पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ दृष्टि से होता है, वो दृष्टि ये है अपने स्वभाव में रहना। बहुत सरल है, हमारा पुरुषार्थ क्या है, अपने स्वभाव में रहना। अपना स्वभाव क्या है, संभाव। अपना स्वभाव कौन, विभाव क्या है, राग द्वेष। राग द्वेष को छोड़ के संभाव में आइए, दोनों चश्मे हटा करके तीसरा नेत्र, एक नेत्र से भीतर के नेत्र से देख दिए, वही संभाव का नेत्र है और वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारी दृष्टि है। दृष्टि का मतलब कि आप अपने जो दो राग द्वेष के दोनों चश्मों की जगह एक चश्मा कर दीजिए, तीसरा नेत्र है, वही हमारी दृष्टि है। और वह दृष्टि जो है पुरुषार्थ की दृष्टि है कि अपने चिंतन को बदलिए। क्या चिंतन बदलना है, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। ये जड़ तो प्रकृति के अधीन है, ये तो कुदरत के कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के अधीन है, उसके ताबे है, लेकिन मैं उसे मुक्त हूँ। मुक्त हूँ, उसका कानून मेरे पे नहीं चलता है, जड़ पे उसका पूरा कानून चलता है, ये उसकी गिरफ्त में है और वो उससे बाहर जा नहीं सकता। इसलिए सारा परिणाम जो है कुदरत देती है, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूँ, मैं तो पुरुषार्थ करूँ, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने मेरे को जो है वह पुरुष बना दिया है। पुरुष का कार्य पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है, अपने स्वभाव में रहना, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। और ज्ञाता दृष्टा भाव क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ये स्वभाव और ये उसके गुण को बार बार याद करना, जागृति बढ़ाना, और जागृति का ग्राफ बढ़ते रहना चाहिए। ज्यों ज्यों जागृति बढ़ेगी अनुभव का ग्राफ बढ़ेगा, और अनुभव जो 100% हो जाएगा तो हमें पहले केवल ज्ञान होगा परिणाम स्वरूप, और पहले केवल दर्शन होगा, फिर केवल ज्ञान होगा और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगी। तो भाई और बहनों, मैंने इतनी बात करी, ये चरेवेती चरेवेती से इसका क्या संबंध, संबंध है कि तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्या चलना, पुरुषार्थ करते रहो। चरेवेती का अर्थ है कि पुरुषार्थ करो, तुम पुरुष बन गए हो, एक जगह स्थिर मत रहो, एक जगह स्थिर हो जाओगे तो तुम राग द्वेष होगा। चरेवेती चरेवेती का अर्थ यह है कि जो तुम्हारा परिणाम पीछे से लेकर के आए उसके साथ मत जुड़ो, उससे उन्मुख हो जाओ, उसकी दिशा बदल दो, और तुम तो चरेवेती चरेवेती। तुम्हारा पुरुषार्थ है वो है अपने स्वभाव में रमण करना, ज्ञाता दृष्टा में रहना और उसी का ही चिंतन करना, वो करते रहो। भाई और बहनों, व्यवहार जगत में आप देखिए कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, सुबह जल्दी उठता है, प्रभु का स्मरण करता है, फैक्ट्री जाता है या अपने ऑफिस जाता है, और कई तरह की वहाँ हर्डल्स आती है, वहाँ पे जो है खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो चलता रहता। मान लिया कि करवाती कुदरत है, लेकिन करने वाला है उसका आत्मबल भी तो चाहिए, उसका मनोबल भी चाहिए। तो वो व्यक्ति मनोबल को रख करके वो सारे कार्य करता है, तो धीरे धीरे सारी हर्डल्स जो है समाप्त होती। मैं चरेवेती चरेवेती का आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो एक रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो योगी है, और उनका जन्म जो है जगत कल्याण के लिए हुआ है, उनका जन्म भारत की सेवा के लिए हुआ है, इसीलिए वो जन्मे हैं, इसीलिए उन्होंने शादी करके भी शादी का भोग नहीं किया, क्योंकि उनका लक्ष्य है वो जगत कल्याण करने का है, दुनिया की सेवा करने का है, जगत और दुनिया के दुख दूर करने का है, अपनी जनता को सुखी बनाने का है। 12 वर्ष तक वो गुजरात के जो है वो प्रधान मुख्यमंत्री रहे, उन पे कोई दाग नहीं लगा। क्यों, कि उनके सामने जनता, वो चरेवेती चरेवेती की बात करते हैं,
चलते रहो चलते रहो, कहीं रुकना नहीं। चलना कैसे? निष्पक्ष होकर के चलना है, बिना कोई राग द्वेष होकर के एक लक्ष्य लेकर के चलना है, जन कल्याण, जनता का भला होना चाहिए। तभी वो बार बार कहते हैं कि मेरे 130 करोड़ की जनता का मुझे सपोर्ट है, 260 करोड़ मेरे हाथ के मारे, मेरे हाथ मेरे साथ हैं, तो मुझे और कौन सी शक्ति की जरूरत है, मुझे और कौन से सपोर्ट की जरूरत है, मुझे तो उनकी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनके लिए कार्य करना है, उनका सपोर्ट है तो सबका सपोर्ट है। जैसे कि जो कहा जाता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। नरेंद्र भाई मोदी स्वयं की नरेंद्र करता है। और जब उन्होंने चिंतन किया आज से 6 साल पहले कि अब मुझे स्टेट की राजनीति से सेंटर की राजनीति आना चाहिए, उनके भीतर के प्रभु ने उनको कहा, चरेवेती तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आगे चले। बहुत से हर्डल आए, खुद के लोगों ने पछाड़ा, आगे आने नहीं दिया, बहुत सी समस्याएं खड़ी करी, लेकिन प्रभु उनके साथ, जनता उनके साथ थी, उनका लक्ष्य उनके साथ था और उनकी भावना अच्छी थी उनके साथ थी। उन सब ने मिलकर के धीरे 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 जो समस्याओं के तूफान आते रहे वो समाप्त होते गए और नरेंद्र भाई मोदी तो चरेवेती बढ़ते गए और उनको बहुमत मिला, प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार बन गए और बेस्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड की उनकी घोषणा हुई। वो जहाँ जाते हैं देखिए उनकी रिद्धि सिद्धि का, मुझे उस व्यक्ति से कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है कि उनसे कुछ प्राप्ति करने की उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं तो उनके गुणों की प्रशंसा करता हूँ। मैं तो प्रमोद भावना वाला व्यक्ति हूँ कि देखिए कि चरेवेती का सिद्धांत कैसे सही बैठता, वो हर वक्त चरेवेती में रहते हैं। हम चलते रहे, कारवा बनता गया, नरेंद्र भाई मोदी चलते रहे, उनका कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया, उनकी पार्टी बन गई, उनको सपोर्ट मिला, 2 बार सपोर्ट मिला, विश्व में गए तो हर देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके मंत्री, उनके जो है उनके मित्र बन गए और हमारे NRI सब ने उनको कॉल किया और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा हम आपके साथ हैं, यानी विश्व के कोने कोने में बहुत से भारतीय बैठे हैं, उनमें एकजुटता बनी, एक चिंतन बना कि हम सभी साथ में हैं, चाहे विदेश में रहो चाहे देश में रहो, यानी दुनिया में हमारे लोगों का सम्मान बढ़ा, हमारा ग्राफ बढ़ा और दूसरे देश के लोग हमारे भारतवर्ष में साख को देख करके वो आए और यहाँ धंधा कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कुल मिला करके हम ये कहना चाहते हैं, जीवंत व्यक्ति होता है वो चरेवेती के सिद्धांत पर चलता है और जो सिद्धांत पर चलता है वो व्यक्ति लाइव रहता है, वो व्यक्ति एक्टिव रहता है। और चरेवेती कौन कर सकता है? जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो। नेगेटिव थिंकिंग वाला चरेवेती ना तो कर सकता है ना कारवा बना सकता है, क्योंकि चरेवेती वाले व्यक्ति के अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, उसमें कुछ क्वालिटी चाहिए। कौन सी क्वालिटी चाहिए? सबसे पहले क्वालिटी तो होती है टीम स्पिरिट, सबको साथ लेकर चलने की कला। जो व्यक्ति लीडर है उसमें सबसे बड़ा गुण ये होते, इंजन एक होता है लेकिन वो 20-25-30 डब्बों को साथ में लेके चलता है, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलने की उसकी कला, वो पावरफुल है। सबको साथ में योग लगा के जॉइंट करके और सबको हजारों किलोमीटर लेके चलता है, चाहे हमारी जो है वो हमारी मालगाड़ी हो, चाहे हमारी जो है एक्सप्रेस गाड़ी हो, चाहे हमारी जो लोकल गाड़ी हो, सबको एक इंजन लेकर के 20-30 डब्बों को लेकर चलता है, क्योंकि साथ लेने की टीम स्पिरिट में योग्यता है। दूसरा, जो व्यक्ति चरेवेती के सिद्धांत पर चलता है उसके अंदर जो है वह टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति समाज का काम करता है, टीम का हेड बनता है, तो उसको कई तरह की ऊंची नीची खट्टी मीठी बातें बननी पड़ती है। जो समाज की सेवा करता है, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्रिटिसिज्म भी करने वाले होते हैं, तो सब उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको अपना पेट मोटा करना पड़ेगा, जो कुछ आवे पेट में डाल लो, कोई प्रतिक्रिया नहीं और कोई राग द्वेष नहीं। और जो व्यक्ति निंदा करते हैं
वह भी प्रिय, निंदक निहारी राखी आंगन कटे छुबाए, उसको तो चरेवेती चरेवेलिवाता अपने पास लगाता है, क्योंकि वो उसके दोष निकाल रहा है, वो उसके दोषों की शुद्धि कर रहा है। जो व्यक्ति जो है उसकी प्रिय बात बताने वाला वो दोष नहीं निंदक दोष निकालता है, तो वो तो ज़्यादा हितकारी हो गया। वो हमारी बीमारी को निकाल रहा है, हमारी बीमारी को ठीक कर रहा है, हमारे दोषों को ठीक कर रहा है, तो उसको पास रखता है। और तो टॉलरेंस पावर, और तीसरी बात सेक्रीफाइस की भावना। जो लोग चरेवेती चरेवेती आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ उनको मिटना पड़ता है। कई कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि सारा जो कुछ भी ब्लेम होता है वह उसके हेड पे, उसके मुखिया पर डाल देता है, तो उसमें सेक्रीफाइस की बात होती है, तो उसको सहन कर लेता है, वो मान के चलता है कि जो कुछ भी जो है मुझे डिसक्रेडिट मिलेगी वही मेरे को मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी वही मिलेगी, लेकिन वो क्रेडिट जो है सब अपनी टीम में बांटता है, अपने लोगों में बांटता है, और डिसक्रेडिट अपने ऊपर ओढ़ता है, तभी वो सक्सेस होता है। कई बार बड़े बड़े अच्छे मंत्री होते हैं, और कहीं पे रेलवे मंत्री होता है, बहुत बड़ा भयंकर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, मॉरल ड्यूटी अपने पे लेता है, कहते हैं कि मेरी अज्ञानता और मेरी जो अकार्यकुशलता की वजह से हुआ है, इसलिए मैं रिज़ाइन करता हूँ, तो ही उसका सेक्रीफाइस है, और उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, क्यों, वो जानता है कि इसकी गलती से नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अकेला क्या करे, पूरी टीम होती है। और बहुत से बार ऐसे सज्जन और ऐसे ऑनेस्ट व्यक्ति का जो इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वो तो गति देने वाला, वो तो चरेवेती का अर्थ होता है गति देने वाला, वो मोशन देने वाला है, और गलती कई कारणों से होती है, और टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, हर कदम पर गलती होता है, लेकिन महान वह होता है जो उस गलती को स्वीकार करता है। उस मंत्री ने अपनी गलती स्वीकार की, उसने अपने सबॉर्डिनेटेड पे गलती नहीं डाली, उसने कहा गलती मेरी है, ये साहस है, ये सेक्रीफाइस की भावना है, तो वो जाए पद जाए तो जाए, जाता नहीं ऐसे लोगों का, लेकिन फिर भी अपने ऊपर लिया, ये बड़ी साहस की बात होती है। तो टॉलरेंस पावर, सेक्रीफाइस की बात था, टीम वर्क की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में लीडरशिप होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और दुनिया को बढ़ाना चाहते हैं, लीडरशिप, उनके पास विजन होना चाहिए कि इस दिन हम ये कार्य करेंगे, अगले दिन ये करेंगे, और हमारा रोड मैप ये है, हमारा ब्लूप्रिंट ये है, हम इतने समय में ये कार्य करेंगे, और उसका वो उसकी स्टडी करना, उसकी बॉटल नेक देखनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना, उसका ग्राफ निकालना चाहिए, इस समय में ये काम हो जाना चाहिए, और क्यों नहीं हुआ, व्हाट आर द रीजन, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि चरेवेती चरेवेती का लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसको कोई लोभ लालच, कोई करप्शन, कोई जो है व्यक्तिगत जो है लाभ कमाने की भावना नहीं होती है, वो तो शुद्ध लोग होते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं वो चरेवेती की ट्रैक पर आते ही नहीं है, वो तो बैक ट्रैक पर रहते हैं, इस ट्रैक पर आते ही नहीं है। चरेवेती तो महान लक्ष्यधारी लोग होते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है कि जो हमारे भारत रत्न जो 47 अभी तक हो गया, भारत रत्नों का भारत को अवदान, उसको जब मैंने सब उनकी जीवनी अलग और बिखरी पड़ी एक जाय किया, तो मुझे मालूम हुआ कि सभी 47 हीरे हैं, डायमंड हैं, तभी उनको रत्न की संज्ञा, भारत रत्न की। उन्होंने बचपन से लगा के लास्ट जीवन तक कितने कष्ट सहे, किसी की बचपन में माँ में गुजर गई, किसी के पिता का साया उठ गया, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने छोटी उम्र में कमाना चालू, उनके पैसे की कमी थी, उनके अधिक जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, इनके बहुत बड़े भाई थे, घर में 2 जून की रोटी नहीं थी, उन्होंने संघर्ष किया, भाइयों को पढ़ाया, खूब पढ़े और आगे बढ़े, मतलब हर भारत रत्न का जो है महात्मा गांधी और दूसरे भारत रत्न को देखिए, जिन जिन का मालवीय जी को देखिए, कितना संघर्षमय जीवन था, एक एक रुपया झोली फैला करके उन्होंने जो है BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि हिंदुस्तान का सबसे फर्स्ट नंबर का विश्वविद्यालय है, जो कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, लेकिन स्थापना उन्होंने की, एक एक रुपया झोली भीख मांग मांग के इकट्ठा करके इसकी स्थापना, कितना टफ टाइम किया। तो इसी तरीके महापुरुष ऐसे नहीं बनते हैं,
महापुरुष कड़े संघर्ष के बाद बनते हैं और वो चरेवेती चरेवेती के फॉर्मूले पे चलते। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके उत्थान का कार्यक्रम है, आपको मुक्ति की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम है। पर वो मुक्ति हम तब दिलाते हैं आपको जबकि आपका व्यवहार शुद्ध हो जाता है। पहले हम व्यवहार शुद्धि करवाते हैं और फिर जो है हम निश्चय शुद्धि करवाते हैं। तो हम दोनों तरह के सूत्र देते हैं कि आपका जो जीवन है वह जीवन किस तरीके से शुद्ध बने, और जब जीवन शुद्ध बन गया तब आप जो है अपनी आत्मा की शुद्धिकरण की हम बात ना करते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा आत्मविज्ञान एक होलिस्टिक है, और होलिस्टिक तब होता है कि सामंजस्य होता है, दोनों पक्षों का सामंजस्य होने से होलिस्टिक होता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबको दृष्टि मिले, सभी अपने जो है स्वरूप की प्राप्ति करे और मुक्ति को प्राप्त हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।